या उसका दरकिनार करने के संबंध में सरकार से कभी हम लोग का पत्राचार भी हुआ, संवाद हुआ, लेकिन उस समय तक अभी तक उसने हमारा कोई मांग भी पूरा नहीं किया। 4 तारीख को हम लोग बंदी का घोषणा किए थे, तो सरदार जी को हम बोला कि 4 तारीख तक हमको कोई समय नहीं है, उसके बाद ही कुछ हम लोग बात कर सकते हैं। तो वैसे ही ये बात सामने आया कि हम लोग को कुछ करना चाहिए समाज के लिए। तो अभी इतना कम समय में एक ही संडे हम लोग को मिल रहा है और वो है 9 तारीख को, क्योंकि संडे है एक उपयुक्त तिथि है जिस दिन हम लोग सब मिल बैठ कर कुछ चर्चा कर सकते हैं। तो ऐसा स्थिति में ये डेट भी तय हुआ, डेट तय हुआ तो कार्यक्रम अगर तय होता है तो डेट और स्थान, स्थान के लिए हमारे चेयर है खाली ऑडियंस बैठने के लिए चेयर है, 1200 जो उसका कैपेसिटी है ना वो 1200 चेयर वहाँ लगा हुआ फिक्स है स्टेज के लिए। नमस्कार फ्रेंड्स, पूरे देश में एक तूफान मचा है, एक जगह से एक बात उठती है और पूरे देश में एक जैसा मानो कि भूचाल सा आया हुआ है, सारी पार्टियों में भूचाल आया हुआ है, अस्थिरता मची हुई है। और व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए या और व्यवस्था में कहीं कोई चूक ना हो जाए, इन सब बातों को लेकर गहन चर्चा चल रही है। तो स्वाभाविक है कि हमारे देश और हमारे इस राष्ट्र के स्टेक होल्डर, हमारे इस देश और हमारे इस राज्य के स्टेक होल्डर, हमारे इस देश के सबसे पहले संतति आदिवासी समाज कैसे इसमें पीछे रह सकता है, कैसे चूक सकता है, क्यों? क्योंकि आगे पुरोधा रहे हैं। तो आज जो विषय है वो विषय है एक सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है जो एक्सेल अड़ाई में होगा, टाटा ऑडिटोरियम नाम है जिस ऑडिटोरियम में होगा, हजारों लोग आएंगे और वो विषय है आदिवासी संस्कृति संविधानिक रक्षा अधिकार समिति कोल्हान प्रमंडल, मतलब एक समिति का नाम है जो ऑर्गेनाइज कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजर है इसमें आदिवासी समाज के उस सभी वर्ग के लोग जो आदिवासी समाज के इंटेलेक्चुअल हैं, बुद्धिजीवी हैं और वो समाज के गार्जियन हैं। हम सब लोगों का एक मोटिव है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो तूफान, जो एक आंधी, जो एक व्यवस्था के प्रति बहुत बड़ी सोच और विचार करने की एक सारगर्भित विषय, उस विषय पे चर्चा की जाएगी। और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कहा जाता है समान नागरिक संहिता, संहिता मतलब कानून, समान नागरिक कानून, वो कानून अगर पूरे देश में लागू होगा तो हमारे आदिवासी समाज के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, विषय यही है। क्योंकि आदिवासी समाज हमारे देश का, हमारे राज्य का, हमारे राष्ट्र का पहली संतति है और यहाँ का स्टेक होल्डर है। जरूर मैं इसको इसलिए कहूँगा कि धरती पुत्र आदिवासी के ऊपर कोई भी कानून अगर वैसी बने कि जो उनको उनकी सभ्यता और संस्कृति से दूर करती हो, तो वो कानून मानव कल्याण के लिए नहीं, देश के लिए नहीं हो सकता। अब मैं आगे विषय पे बात करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा हमारे दाहिने मेरे दोस्त बैठे हैं, मैं सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? जी दशमत हंसदा। दशमत जी आदिवासी समाज के युवा नेता हैं, नेतृत्व करता है। दशमत जी, इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर जो सेमिनार है उसका क्या मजमून है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे पूरे आदिवासी समाज पर? ये भारत सरकार जो है, ये अब जो है UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये भारत में ये ला रहे हैं, और आज जो है ये जो कमीशन है वो उनका प्रारूप जो है ये देश के नागरिक को जो है, देश के जनता को जो है ये नहीं बता रहा है कि हम किस किस बिंदु पे जो है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो है कानून हम ला रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये आशा किया है कि आपने इतने तारीख तक जो है आप इनका प्रतिक्रिया, अगर किन्हीं को जो है इनका विरोध करना है, इनका समर्थन करना है, तो ये हमको अज्ञात है कि हम किस किस कानून को जो है ये बदलना चाह रहा है। क्योंकि आदिवासियों का अपना एक अपना परंपरा, अपना सभ्यता, अपना संस्कृति वो अलग है, क्योंकि आदिवासी जो है अलिखित संविधान से जो है Article 13(3) के तहत जो है रूढ़ी और प्रथा से जो है संचालित है। अगर उसके तहत इनका रूढ़ी और प्रथा को जो है समाप्त करने की साजिश रचती है तो निश्चित रूप से जो है ये आदिवासियों और यहाँ के जो
भारतवर्ष के जो है भूमिपुत्र जो है आदिवासी जो है उनके साथ अन्याय होगा, क्योंकि ये कानून जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये चाह रहा है कि ये हम सारे लोगों को जो है सारे लोगों के लिए एक समान के कानून लाएंगे, लेकिन आदिवासी जो है वो प्रकृति के साथ चलने वाले प्राणी हैं और आदिवासी को जहाँ वो प्रकृति के से जो है उनको हटाया जाता है तो निश्चित रूप से जो है धरती के जो है संतुलन जो है वो बिगड़ जाएगा और धरती जो है वो प्रलय की ओर समावेश करेंगे। तो इसलिए जो है आदिवासी को ना छेड़ा जाए, क्योंकि आदिवासी जो है जल जंगल जमीन के साथ जुड़ा है और आदिवासी की अपने पारंपरिक पहचान है, सभ्यता है, धरोहर है। तो ये कहेंगे कि इसका जो है आगामी 9 तारीख को जो है एक्सलराय में जो है हमारे समाज के जो एडवोकेट बुद्धिजीवी लोग जो है वो हम इस पे परिचर्चा करेंगे और उसके बाद अगर ये आदिवासी के विपरीत अगर कानून बनती है, क्योंकि ये शेड्यूल एरिया ये जितने भी आदिवासी के कानून बना है आदिवासी के लिए कानून बना है, ये कानून ऐसा ही नहीं बना है, ये बहुत ही लड़ के जो है ये बना है, क्योंकि भारतवर्ष जब स्वाधीन नहीं हुआ था उसके पहले आदिवासी को तोड़ने के लिए, आदिवासी के जल जंगल जमीन को लूटने के लिए, आदिवासी के अस्तित्व, आदिवासी की पहचान, आदिवासी की सम्मान में जहां ठेस पहुंचा है वहां वहां आदिवासी जो है विद्रोह के बिगुल फूकी है और उसी के बदौलत जो है आदिवासी के सारा कानून जो है वो बनी है, चाहे वो शेड्यूल एरिया की कानून हो, क्योंकि सारे लोगों को पता है आदिवासी समुदाय जो है वो डेमोक्रेसी से संचालित है, क्योंकि आदिवासी जो है आज नहीं आदिवासी पहले से ही वो डेमोक्रेसी के तहत है। तो ये हम भारत सरकार को ये कहना चाहेंगे कि कानून जो है ऐसा बने, क्योंकि ये भारत देश ही ये जो है भारत देश जो है ये जो है धर्मनिरपेक्ष देश है और ये हर समुदाय का बराबर की अधिकार है, उनको अपना समुदाय का संचालित अपना समाज का जो है किस तरह से वो चलेंगे। और निश्चित तौर पे यहाँ जो है सरकार की मंशा है कि आदिवासी की जमीन यहाँ ग्राम सभा विद्यमान है और ग्राम सभा के बिना अनुमति यहाँ सरकार की कोई भी यहाँ चाहे उनका योजना चाहे यहाँ की जमीन को अधिग्रहण करना इनका जो है बड़ा ही दिक्कत हो रहा है, क्योंकि आदिवासी के जो है जल जंगल जमीन बचेगी तो आदिवासी बचेगी और ये कहीं ना कहीं आदिवासी की जमीन पे ये नज़र है, यहाँ पे उद्योग को और यहाँ से आदिवासी का नामो निशान को मिटाने की ये साजिश रच रही है। तो इसके लिए आदिवासी गोलबंद है और आगे भी गोलबंद रहेंगे और हमेशा बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, तिलका मांझी जितना भी हमारे आदर्श पुरुष जो जंगल जल जंगल जमीन समाज व्यवस्था के एक रूपता के तहत लड़ाई लड़ी थी, वैसा ही अगर ये स्वतंत्र भारत में भी जो है अगर हमको हमारे संवैधानिक हक और अधिकार से अगर वंचित करेगा, हमको शोषित करेगा, तो निश्चित रूप से समाज के लोग स्थिर नहीं रहेंगे, फिर वो विद्रोह करने के लिए उनको मजबूर करेंगे, तो विद्रोह करने से पीछे नहीं हटेंगे। और वही जो है आगामी 9 तारीख को जो है XLRI ऑडिटोरियम में जो है ये हम चिंतन मंथन करेंगे और सरकार के साथ हमारा क्या मंशा, क्या हम उनके साथ कैसे पत्राचार करेंगे और उनको कैसे हमारा सुझाव रहेगा, क्योंकि अगर हमारे साथ ये अन्याय होगा तो निश्चित रूप से हम चुप नहीं बैठेंगे और यही रणनीति हम तैयार कर रहे हैं। धन्यवाद दशमत जी, धन्यवाद। यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर आपकी अच्छी जानकारी है और आप उसके ऊपर काफी रिसर्च कर रहे हैं, क्या कहेंगे ये हमारे आदिवासी समाज को कहां इम्पैक्ट डालता है? सबको जोहार। अब क्या है कि सरकार अपना विचारधारा, अपना सोच, अपना आइडियोलॉजी भारत देश के सभी नागरिकों पर थोपने का प्रक्रिया चालू कर लिया है और समझता है कि हम जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। लेकिन आप सबों को पता होना चाहिए जब मुगल साम्राज्य आए थे तो उनसे भी भारत देश के सभी समुदाय ने मिलकर लड़ा था।
अंग्रेजों ने भारत देश को गुलाम बनाया, उस समय भी सभी समुदाय ने मिलकर लड़ा था और सभी ने अपना अनेकता में एकता का परिचय देते हुए देश को आज़ाद किया और हम लोग आज़ाद होने के बाद इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं। लेकिन इसके बाद जो 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, अब उस संविधान में इतनी सारी हमारे लिए सभी समुदाय के लिए व्यवस्था के लिए धर्म के लिए सब कुछ उसमें लिखा गया है, अधिकार दिया गया है, उससे कोई भी अभी तक असंतुष्ट नहीं है और सभी अपना अपना सिस्टम से यहाँ जी रहे हैं। और हमारा जो आदिवासी समाज है ये प्राकृतिक पूजक है, इनका अन्य समुदायों से पूजा पद्धति, रहन सहन, संस्कृति, बोल चाल, भाषा, संस्कृति सभी अलग है। वैसे ही अन्य सभी समुदाय जैसा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अपना अपना परंपरा है, अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं, तो सभी को एक साथ लाना या एक सूत्र में बांधना, एक कानून में रखना, ये किसी भी हाल में न्याय नहीं होगा। तो आज हम लोग देखते हैं जिस देश में ऐसा कानून लागू है वो उस देश में भी आज गृह युद्ध की स्थिति है। तो हम अनेकता में भी एकता का परिचय दे रहे हैं और हम आज विश्वगुरु बनने की एक मुहिम छेड़ चुके हैं। तो आज सभी समुदाय के परंपरा को और अपने अस्तित्व को मिटाकर क्या हम विश्वगुरु बन सकते हैं? कहते ही नहीं। ये हमारे पूर्वजों ने कभी स्वीकार नहीं किया और आज भी हम स्वीकार नहीं करेंगे। हमारा जो परंपरा है, रीति रिवाज है, रिचुअल्स है, सभी जो अपना अपना समुदाय का है उसको बरकरार रखेंगे और भारत में एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे। और हम लोग सरकार का कोई भी हमारे हित में कानून बनेगा उसका हम लोग स्वागत करते हैं और हमारे खिलाफ अगर कोई कानून बनता है तो उसको समाज पुरजोर विरोध करता है और हम लोग आगे भी करते रहेंगे। इसी संदर्भ में हम लोग आगामी दिनांक 9 जुलाई 2023 को रविवार दिन जो है हम लोग सुबह 10:30 बजे से टाटा प्रेक्षागृह XLRI में जमशेदपुर में बृहद हम लोग सभी आदिवासी समुदायों का अगुवाओं का एक सेमिनार रखे हैं, विचार गोष्ठी रखे हैं, जहां पर इस UCC पर हम लोग चर्चा करेंगे और चर्चा के उपरांत एक ठोस निर्णय लेकर हम लोग हमारे विधि विभाग को जो है अवगत कराएंगे हमारी मांगों पर। और उसके साथ साथ वहां घोषणा की जाएगी सभी माझी बाबा, नायके बाबा, मानकी मुंडा, जितना ढोकलो शोहर जो भी हमारे पाड़ा परगनाए थे सबको आह्वान किया जाएगा कि सभी लोग अपना अपना ग्राम सभा से चिट्ठी लिखे और अपना अपना मंतव्य दे, अपना अपना विरोध दर्ज करे, अपना अपना पक्ष रखे। खिलाफ अगर कोई कानून बनता है तो उसको समाज पुरजोर विरोध करता है और हम लोग आगे भी करते रहेंगे। इसी संदर्भ में हम लोग आगामी दिनांक 9 जुलाई 2023 को रविवार दिन जो है हम लोग सुबह 10:30 बजे से टाटा प्रेक्षागृह XLRI में जमशेदपुर में बृहद हम लोग सभी आदिवासी समुदायों का अगुवाओं का एक सेमिनार रखे हैं, विचार गोष्ठी रखे हैं, जहां पर इस UCC पर हम लोग चर्चा करेंगे और चर्चा के उपरांत एक ठोस निर्णय लेकर हम लोग हमारे विधि विभाग को जो है अवगत कराएंगे हमारी मांगों पर। और उसके साथ साथ वहां घोषणा की जाएगी सभी माझी बाबा, नायके बाबा, मानकी मुंडा, जितना ढोकलो शोहर जो भी हमारे पाड़ा परगनाए थे सबको आह्वान किया जाएगा कि सभी लोग अपना अपना ग्राम सभा से चिट्ठी लिखे और अपना अपना मंतव्य दे, अपना अपना विरोध दर्ज करे, अपना अपना पक्ष रखे। तो अभी हम लोग जितने भी आदिवासी समुदाय है सभी आदिवासी समुदाय अभी तक अपना समाज, अपना रीति रिवाज, अपना कस्टम सिस्टम के साथ आगे बढ़ रहे हैं, विकास कर रहे हैं। इनका आदिवासियत को, पहचान को बचाने में सरकार को आगे आना चाहिए। जब तक आदिवासी बचा रहेगा या पर्यावरण बचा रहेगी और दुनिया बचा रहेगा, इसीलिए आदिवासी पर्यावरण को बचाता है और आदिवासियों को आदिवासी से जीने का जो एक तरीका सभी को सीखना चाहिए। इसीलिए सरकार से निवेदन है, केंद्र सरकार से, कि इस तरह का बचकाना
और इस तरह का जो कानून है आदिवासियों के ऊपर और सभी समुदायों के ऊपर लागू करने का प्रयत्न ना करें, क्योंकि इससे कोई भी एक साधारण जीवन जीने वाला आदमी इससे इसको और उच्च स्तर के जीवन जीने वाला आदमी को एक समान अंतर में लाया नहीं जा सकता है। इसीलिए अभी आज का डेट में ये कानून भारत के लिए उपयुक्त नहीं है, इसको यहाँ लागू नहीं किया जाए, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। जोहार, मैं दुर्गा चरण मुर्मू और मझी परगना महाल पूर्वी सिंहभूम के प्रवक्ता। यूसीसी पर बहुत गहन विचार चल रही है और हमारा आदिवासी समाज इसमें सबसे प्रमुखता से और सबसे प्राथमिक तौर पर शुरुआत कर चुका है जमशेदपुर से, और वो भी एक साल आ रहा है ऑडिटोरियम जो पूरे विद्वता का कहा जाए तो एक सेंटर है पूरे देश और विदेश में। क्या कहेंगे आप उस दिन, क्या क्या बैठक पे क्या क्या विचार होंगे और क्या क्या चर्चा होंगी आपकी? हम लोग एक लोकतांत्रिक समाज है हमारा, और हम आदिवासी समाज के लोग जो भी काम करते हैं तो बकायदा एक लोकतांत्रिक तरीके से समाज के सामूहिक तरीके से बात विचार करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने 9 तारीख को पूरे कुल्हान स्तरीय जितने हमारे 32 जनजातीय हैं सभी समाज के प्रमुख अगुवाओं को, सामाजिक जो कस्टमरी व्यवस्था को जानकार लोग हैं और सामाजिक व्यवस्था के जो अगुवा लोग, उन सबों की एक हम लोगों ने सामूहिक बैठक बुलाई है। और इस बैठक में हम तय करेंगे कि भारत सरकार ने 14 तारीख तक हम लोगों को एक तिथि निर्धारित किया है कि सभी लोग जो भी स्टेक होल्डर्स हैं इस देश के, वो सब अपने अपना इस कस्टमरी लॉ से संबंधित हो या जितने भी उनके जो बिंदु हैं उस पर उन्होंने हम लोगों से मंतव्य मांगा। और हमारी ये कोशिश होगी कि भारत सरकार का जो विधि आयोग जिस प्रकार ये बगैर ड्राफ्ट सामने रखे हम लोगों से मांगी है और जो चर्चा हम लोगों ने सुना है मीडिया के माध्यम से, तो हम उस पर ही हम बात रखेंगे और जिस दिन हमको ड्राफ्ट मिलेगी तो हम उस पर बात करेंगे। लेकिन चूंकि भारत सरकार का जो विधि आयोग, इससे पहले के जो विधि आयोग था 21वें विधि आयोग ने कहा था कि ये समान कानून नागरिक संहिता कानून को लागू करना या उसका ड्राफ्ट करना अवांछनीय है, ऐसा स्थिति में हम भारत सरकार से और वर्तमान जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, हम आदिवासी ये जानना चाहेंगे कि हम छत्तीसगढ़ में, गुजरात में और मध्य प्रदेश में, राजस्थान में हमारी सबसे ज़्यादा तादाद है और हम आज ये प्रतिक्रिया देना चाहते हैं कि भाजपा आदिवासियों को सांस्कृतिक रूप से हिंदूकरण की कोशिश कर रही है और भाजपा के ये मनसा है कि आदिवासियों की जो आदिवासियत है, वो जो जल जंगल जमीन के साथ जुड़े लोग हैं, जो इस देश के मूल निवासी हैं, उनको उनके संस्कृति की जड़ों से खत्म करते हुए एक शूद्र के रूप में जो है ना वो चिन्हित करना चाहती है और वो वर्ण व्यवस्था हम पर लादना चाहती है। इन तमाम कोशिशों को, इस राजनीति को हम लोग झारखंड में तो हम लोग पहले भी उखाड़ चुके हैं और छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में भी हम लोग लागू तो नहीं होने देंगे और ना हम इसके तहत हम लोग आने देंगे। झारखंड के आदिवासी लोग पूरे देश के आदिवासियों को नेतृत्व करते हैं और पूरे देश के आदिवासियों की अपनी भाषा संस्कृति जीवित है और ऐसा स्थिति में झारखंड के आदिवासी पूरे देश को आदिवासी को नेतृत्व करेंगे। हमारी आज ये कोशिश होगी कि 9 तारीख को झारखंड के आदिवासी पूरे झारखंड के मामले में आने वाले दिनों का नैरेटिव को तय करेगा, राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक यहाँ का परिदेश को हम तय करेंगे। हम 32% जनजाति झारखंड के, हम यहाँ के मूल देश के निवासी, हम झारखंड के आदिवासी जो 32 जनजाति हैं, जो ग्रुप हमारी है, वो सब 9 तारीख को बैठेंगे और उस पर बड़े बड़े बुद्धिजीवियों को बुला रहे हैं और उसके बाद हम ये रणनीति तय करने जा रहे हैं और 14 तारीख से पहले विधि आयोग को हम लोग बकायदा अपने जो मंतव्य है उसको देंगे और साथ ही सड़क पर भी हम लोग लोकसभा और विधानसभा तक में, ये हमारे झारखंड में बाबूलाल मरांडी हो, अर्जुन मुंडा हो, चाहे और जो भी आदिवासी नेतृत्व हैं, उनको हम लोग उनके अपने अपने विधानसभा में घेराव करेंगे। उनको बताना पड़ेगा कि झारखंड के आदिवासी आपके भारत सरकार और मोदी सरकार का एक कानून एक देश के लागू के इस मनसा को हम लोग समझ चुके हैं और इस मनसा के खिलाफ में हम लोग उलगुलान सिद्धू कानू बिरसा मुंडा की तरह हम लोग एक उलगुलान करने जा रहे हैं। और ना अर्जुन मुंडा रहेगा ना बाबूलाल मरांडी रहेगा, उनको आदिवासी के साथ मिलाना है तो उनको बताना होगा कि इस मनसा के खिलाफ में तुम सड़क पे आओगे कि नहीं आओगे, अगर नहीं आओगे तो तुम्हारा भी समिति बहिष्कार होगा। बहिष्कार मतलब पॉलिटिकल बहिष्कार होगा, पॉलिटिकली ही भाजपा के साथ, आरएसएस के साथ, इस एजेंडा के साथ जो काम कर रहे हैं
उन सबको हम लोग आने वाले विधानसभा लोकसभा चुनाव में बताएंगे कि तुम्हारा ये जो आरएसएस का जो एजेंडा है और डिजाइन है, इसको आदिवासियों लोग, जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था पार्लियामेंट में, तो हम लोकतांत्रिक लोग हैं, हमको लोकतंत्र का तुम सिखाओ मत। आज आरएसएस देश के लोगों को लोकतंत्र सिखाना चाहता है, लोकतंत्र देश के लोगों को एक समान अपना मनसा में, एक वर्णवादी व्यवस्था में, एक मानववादी व्यवस्था में ढांचा डालना चाहता है। ये कत्ता ही नहीं हो सकता है। आरएसएस सुन लो, झारखंड में अगर आदिवासी लोग जिनकी भाषा संस्कृति जीवित है और ये देश के इस लोग मूल वासी है, हम हड़प्पा संस्कृति के मालिक हैं, हम इस देश के मालिक हैं, तो आपका ये जो रणनीति है और ये जो सोच है, ये हम लोग इसको उखाड़ फेंकेंगे। पहले भी उखाड़ फेंके हैं और आने वाले दिन में भी उखाड़ पड़ेंगे। धन्यवाद। देखिए विषय बहुत बड़ी है और इस विषय में हम सब लोगों को बहुत गहनता से चर्चा करने की बात है और ये सब लोग अपने अपने दिल के उद्गार को व्यक्त कर रहे हैं। अब हमारे बीच आदिवासी समाज से एक ऐसे व्यक्तित्व जो आदिवासी सलाहकार परिषद के सदस्य हैं और उसके अध्यक्ष हमारे झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, तो मैं सबसे पहले इनसे भी जानना चाह रहा हूँ अभी कि आप ये बताएं कि UCC जो लागू हो रहा है और आपके हाथ में मैं ये भी देख रहा हूँ कि भारत का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब ये संविधान हमारे देश का गीता कुरान और सब कुछ है, एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं, एक देश का हमारा एक इतना बड़ा संविधान, ये हमारे लिए सब कुछ है, सब ग्रंथों से ऊपर है। तो आज आप उसका अध्ययन रत भी हैं, पढ़ भी रहे हैं, तो आप उसके सदस्य हैं जो हमारे आदिवासी सलाहकार परिषद है और उसके मुख्यमंत्री जी अध्यक्ष हैं। तो UCC जो लागू करने की केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ी योजना बनाई है और इस योजना में सब लोगों से सलाह मांगा जा रहा है कि आप बताएं कि ये कितना मुफीद है, कितना उपयुक्त है, कितना जरूरी है, इस पर आप क्या कहेंगे अपना परिचय बताने के साथ। हाँ, मेरा नाम विश्वनाथ सिंह सरदार है और मैं जनजातीय सलाहकार परिषद का मैं एक सदस्य हूँ जो झारखंड सरकार के है, ये संवैधानिक पद है। मेरा कहने के पहले जो पूर्व वक्ताओं ने कहा बहुत अच्छे ढंग से कहे हैं, मैं खाली एक आध बिंदु पर बात कर रहा हूँ, वो है कि देखिए जो भारत का संविधान जब बना तो संविधान बनते समय संविधान सभा में यह चर्चा हुआ कि कुछ कुछ समाज जाति ऐसा है जो केवल और केवल रीति रिवाज से चलता है, जैसे हमारा समाज का कानून है, हमारा रीति रिवाज ट्रेडिशन, तो उसमें भारत सरकार ये संविधान में बोलता है आर्टिकल 13A में कि ये संविधान में सारा कानून रहने के बावजूद भी कस्टम और यूसेज हैविंग द टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ, जिसके पास ये रीति रिवाज है उसको भी एक कानूनी मान्यता पर उसका सम्मान किया जाएगा। तो हमारा आदिवासी समाज तो कस्टम रीति रिवाज से है और वो रीति रिवाज को ये भारत सरकार ये संविधान में मान्यता दिया। एक और है, भारत इसी संविधान में आर्टिकल 368 में बोला गया है कि पार्लियामेंट को कानून बनाने में या कानून संशोधन करने का प्रावधान दिया गया है, लेकिन कानून बनाने कानून अमेंडमेंट करते समय आर्टिकल 13 का जो प्रावधान है इनफैक्ट कल्चर कस्टम उसको टच नहीं किया जाए, तो यह हमारा संविधान में भी कहता है। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड का जहां तक बात है, जब संविधान सभा में इसकी बात हुई आर्टिकल 44 में दिया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसमें यह चर्चा हुआ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड तभी लागू होगा जब देश में समानता आएगा। अभी तो समानता है ही नहीं, है क्या समानता, हम कहाँ है और कहाँ है, 10% लोग यहाँ का इकोनॉमी सोशली पॉलिटिकली वेल ऑफ है और बाकी लोग उसका किसी को तो खाने नहीं जुट रहा है, किसी का ये नहीं हो रहा, और उस परिस्थिति में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगा तो सबसे ज्यादा नुकसान आदिवासियों का होने जा रहा है, क्योंकि इनका रीति रिवाज परंपरा यदि पर्सनल लॉ हिंदू कोड लॉ के तरफ ला जाएगा तो फिर तो हम उसके साथ ये नहीं कर पाएंगे। आज देखा जाए कि आदिवासी क्षेत्रों में लोहा कोयला सोना कारखाना माइनिंग सब हो रहा है, लेकिन क्या आदिवासी को कोई अपॉर्चुनिटी मिल रहा है क्या नौकरी में ठेकेदारी में कि कोई भी और रोजगार का अवसर? तो यदि इतना सारा कानून रहते हुए भी, पेशा एक्ट रहते हुए भी, CNT एक्ट रहते हुए, SPT एक्ट, सारे 5वीं अनुसूची, सारा आदिवासियों का कानूनी व्यवस्था रहने के बाद भी आज दोहन और शोषण हो रहा है, तो UCC यदि लागू होगा तो हमारा क्या दुर्दशा होगा, इसीलिए ये UCC का हम लोग विरोध कर रहे हैं। और बैठक उसी विषय को लेकर बैठक उसी विषय के लिए रखा गया है
और ये बैठक संपूर्ण रूप से सामाजिक संगठनों के द्वारा किया जा रहा है, कोई राजनीतिक नहीं। राजनीतिक होने से तो उल्टा हो जाएगा है? समाज का क्या फीलिंग है इसके ऊपर, समाज क्या, समाज की प्रतिक्रिया क्या है, समाज क्या चाहती है, इसी के ऊपर ये बैठक हो रहा है। आज देखिए हमारा जो ये है प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं है, कोई MLMP नहीं है, सिंपल सामाजिक संगठन जो महानुभाव आए हैं उन्हीं का ये है, और उन्हीं से मंतव्य लेके हम लोग फाइल कर देंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। आर्टिकल 13 हो या 368 हो या फिर हम उस बात की याद करें कि झारखंड या पूरे देश की आजादी की बात है, तो 1853 हो, 1857 हम मंगल पांडे का सिपाही विद्रोह पढ़ते हैं, लेकिन 1853 सिद्धू कानू का विद्रोह और सिद्धू कानू का स्वतंत्रता की पहली लड़ाई हम नहीं पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि आजादी की लड़ाई तो हमारी शुरुआत 1753 से हो चुकी थी, जब आदिवासी समाज ने उलगुलान किया था, और इसके बाद सिद्धू कानू जैसे हीरो हुए और उन्होंने सबसे पहले फ्रीडम फाइटर कहे जाए गए, और आज के डेट में उनकी लड़ाई से हम प्रेरित होकर भारत को आजाद किया। तो आदिवासी समाज यहां सिस्टम और कस्टम की पार्टी है, समाज है, जहां तक आपको सुनने को मिला। तो सिस्टम और कस्टम दोनों को अगर हमने छोड़ दिया तो हमारी आदिवासियत कहां बचेगी, और आदिवासी अगर नहीं बचेंगे, उनकी परंपरा नहीं बचेगी, उनकी संस्कृति नहीं बचेगी, तो फिर हम इस मानव समाज के संरचना को कैसे मजबूत कर पाएंगे, क्योंकि आदिवासी समाज पूरे पृथ्वी की एक धुरी है, केंद्र बिंदु है। क्यों? धरती पुत्र है, वो स्टेक होल्डर है, वो हमारे प्रकृति प्रेमी है, प्रकृति के गोद में खेलने वाला वो प्रकृति का एक बालक है, प्रकृति का पुरुष है। तो इस मानव समाज को अगर संतुलित करना है और मानव समाज को संगठित, संरक्षित और व्यवस्थित और विकसित करना है, तो आदिवासी समाज के कस्टम और सिस्टम से छेड़छाड़ करना ठीक नहीं है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। दूसरी बात, जो सरकार ने अगर इसके लिए मंशा जाहिर की है कि सभी लोग अपने अपने विचार को रखें, तो स्वाभाविक है कि ये 9 तारीख की जो बैठक होने जा रही है वो ऐतिहासिक बैठक होगी। क्यों? क्योंकि आपने हमारे सभी विद्वानों को और सभी हमारे समाज के उन पुरोधाओं को सुना जो आदिवासी, पूरे झारखंड ही नहीं पूरे देश के आदिवासियों की भावना को व्यक्त किया उन्होंने, क्योंकि उनका मतलब सिर्फ झारखंड के आदिवासियों से नहीं, पूर्वी सिंहभूम के आदिवासियों से नहीं है, पूरे देश के आदिवासियों से है, और मेरा भी सर्वीकार पूरे देश के आदिवासियों से है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार को जरूर अपने मंतव्य, अपनी मंशा क्लियर करनी चाहिए, और जहां तक हो सके तो कम से कम आदिवासी समाज के सिस्टम और कस्टम को छोड़कर अन्य नीति बनानी चाहिए, और यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर देश और राज्य और राष्ट्र के विकास में जरूरी है तो इन सब बातों को जरूर ध्यान रखना चाहिए, ये मेरा व्यक्तिगत निवेदन भी है। इसीलिए मैं एक जरूर कहना चाहूँगा कि आज का जो बैठक और 9 तारीख का ऐतिहासिक होने जा रहा है, आप सभी लोग उन सब बैठक में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लीजिए, और जो आज इन्फॉर्मेशन शेयर किया गया ये आदिवासी समाज के कल्चर को, सिस्टम को जानने का एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है। इसीलिए इंडिया टीवी ऑनलाइन हमेशा इस मुहिम को चलाती रहेगी, और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, और चैनल को लाइक करिए। क्यों? क्योंकि ये अवेयरनेस हमारे देश के सभी नागरिकों तक पहुंचना चाहिए। आदिवासी समाज का सिस्टम और कस्टम सर्वोपरि है, क्योंकि वो हमारा मूल है। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा।